हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल करियर एंड कोर्सेज बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आई हुई है स्कूल सेगमेंट में जहां पे uh, जो पीजीटीज के लिए वैकेंसीज हैं और सैलरी काफी अच्छी वो ऑफर कर रहे हैं सेवेंटीड उन्होंने मेंशन करा हुआ है एज लिमिट है फिफ्टी पी के लिए भी सैलरी सिक्सटी और एज लिमिट है फोर्टी और पी के लिए सैलरी है फिफ्टी एज लिमिट है फोर्टी तो अः uh, अच्छी सैलरीज है और अच्छा स्कूल ये है अगर आप क्वालिफाइड हैं और जॉब देख रहे हैं तो जरूर आप कंसिडर कर सकते हैं साथ ही अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को क्योंकि हम डेली बेसिस पर वैकेंसी शेयर करते रहते हैं और वो आपके पास तक पहुंचती रहेंगी उस तरह से आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये कहां पे है और आप कैसे इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें दूसरों के साथ अगर आप क्वालिफाइड ना हो या इंटरेस्टेड ना हो इसमें अप्लाई करने में तो आइए दिखाते हैं कि वो कहाँ पे है वैकेंसीज तो जो वैकेंसीज हैं उसकी बात करते हैं इसमें हिंदी के लिए टीजीटी की एक वैकेंसीज है पीआरटी की दो वैकेंसीज हैं और उसमें ग्रेजुएशन मांगा है हिंदी के साथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में बीएड आपका होना चाहिए आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपको संस्कृत भी आपने पढ़ी है ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ फिर इंग्लिश में एक टी की वैकेंसी है और एक पी की वैकेंसी है उसके लिए ग्रेजुएशन मांगा है इंग्लिश में एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए तीनों सालों में और साथ में बी आपका होना चाहिए फिर मैथ्स में टीजीटीज की दो वैकेंसीज हैं और पी की तीन वैकेंसीज हैं जिसमें ग्रेजुएशन मांगा है मैथ्स में और साथ में बी फिर साइंस के लिए टी की दो वैकेंसीज हैं पी की भी दो वैकेंसीज हैं उसमें ग्रेजुएशन मांगा है या तो फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी में और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर तीनों सालों में होना चाहिए और साथ में बी एड आपने करा हो इनमें से किसी सब्जेक्ट में जो आपका स्पेशलाइजेशन है सोशल स्टडीज में टी की दो वैकेंसीज हैं ग्रेजुएशन मांगा है दो सब्जेक्ट में हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस इनमें से कोई दो सब्जेक्ट में आपने करा हो और या फिर ऑनर्स ग्रेजुएशन इन ऑनर्स करा हो आपने हिस्ट्री ऑनर्स या पॉलिटिकल साइंस और साथ में बी केमिस्ट्री पीजीटी की एक वैकेंसी है पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है केमिस्ट्री में साथ में बी कंप्यूटर साइंस पी की एक पोजीशन है बी बीटेक आपका होना चाहिए या फिर एमएससी या फिर एमसीए या फिर अगर आप कोई भी ग्रेजुएट है तो आपने तीन साल का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में करा हो फिजिकल एजुकेशन पी की दो वैकेंसी है ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन म्यूजिक पी की एक वैकेंसी है आर्ट एंड क्राफ्ट पी की एक वैकेंसी है लाइब्रेरियन पी की एक पोस्ट है काउंसलर की एक पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की एक पोस्ट है और उसके अलावा कन्नड़ा लैंग्वेज uh, की दो पोस्ट है पीआरटी की तो ये जो वैकेंसीज uh, हैं ये और ये सैलरीज हैं जो आप देख सकते हैं पीजीटी की एज लिमिट है फिफ्टी कम से कम पांच साल का एक्सपीरियंस मांगा है सेवेंटी वन थाउजेंड अप्रोक्सीमेटली आपको सैलरी दी जाएगी टीजीटी की एज लिमिट है फोर्टी फाइव पांच साल का एक्सपीरियंस सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज सैलरी वो लोग ऑफर करते हैं पीआर की एज लिमिट है 45 फाइव दो साल का एक्सपीरियंस और चौवन हजार सैलरी 54,000 और एक और पोजीशन है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए उसके लिए सिर्फ बीकॉम मांगा है और 35 फाइव इन एज लिमिट दो साल का एक्सपीरियंस तीस हजार सैलरी उसमें दी गई है ये टेन्योर पोजीशन है जो टेन्योर पीरियड रहेगा लेकिन वो पांच साल का रहेगा और वो आगे भी एक्सटेंड करा जा सकता है डिपेंड uh, करता है आपकी परफॉर्मेंस पर और जो रिक्वायरमेंट है स्कूल में उनके ऊपर ये वैकेंसीज निकाली है एच ए एल स्कूल ने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काफी सारे uh, जो है उन, उनके टाउनशिप्स हैं अक्रॉस द कंट्री वो ये स्कूल को मैनेज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है एच ए एल एजुकेशन कमिटी और ये बेंगलोर से बेसिकली निकला है जो इनका रिक्वायरमेंट uh, है Uh, फिर उन्होंने नीचे डिटेल्स दी हुई है टीचिंग एक्सपीरियंस का क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए आपका किस लेवल पर एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है तेरह जनवरी को और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है तीस जनवरी तो आपके पास अभी भी ग्यारह दिन का टाइम इसके लिए है uh, बाकी क्वालिफिकेशंस को आप डिटेल में इसमें देख लें और इसमें जब भी, भी आप अपना जो एप्लीकेशन भेजेंगे क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म में भेजना है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने जरूर अटैच करना है साथ में अपॉइंटमेंट लेटर और लेटेस्ट सैलरी सर्टिफिकेट भी आपने साथ में लगाना होगा ओबियसली uh, अगर वो इनकम्प्लीट रहेगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा ये आपने इनका जो फॉर्मेट है इनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है वो भी मैं अभी अभी, अभी आपको दिखाऊंगा उसके साथ उसका प्रिंट आउट आपने निकालना है उसको फिल करना है एक दो सौ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपने बनाना है टू हंड्रेड रुपीज का इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी एच ए एल एजुकेशन कमिटी और ये आपने भेज देना है इनको जो एड्रेस यहाँ दिया हुआ है सेक्रेटरी एच ए एल स्कूल एच एल ईस्ट एक्सटेंशन टाउनशिप जी कॉलोनी मराठा हल्ली पोस्ट बैंगलोर फाइव सिक्स डबल जीरो थ्री सेवन अगर कोई क्वेरीज आपकी हैं तो आप उनको कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं और इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस तो इसमें आपने देखा जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपका रिटर्न टेस्ट होगा, होगा और डेमो होगा और इंटरव्यू होगा इन सभी पोस्ट के लिए ये जो यहाँ पे मैं मेंशन है इसमें पॉइंट नंबर थर्टीन और जो जे के लिए है वो सिर्फ रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू होगा तो ये सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये गवर्नमेंट के कंपैरिजन में कंपेरेबल uh, सैलरीज वो पे कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं अगर इन सब्जेक्ट में आप जॉब देख रहे हैं तो इसमें जो एच एल पब्लिक स्कूल की वेबसाइट है uh, यहाँ पे सबसे पहले आप जाएंगे एच ए एल पब्लिक स्कूल डॉट कॉम उसके बाद ये यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपने ऊपर की तरफ नोटिफिकेशन है और नीचे वाला एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने प्रिंट आउट निकालना है और फिर आपने फिल करके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने हैं वो इसमें मेंशन है उसके साथ आपने ये भेज देना है जो है स्कूल को जो एड्रेस वहां दिया हुआ है सो होप दिस बी यूजफुल फॉर यू विल अगेन कम बैक टू यू विद मोर वैकेंसीज थैंक्स फॉर वॉचिंग